सब्सक्राइब करें मेरे चैनल क्लासी फ्लेवर्स को और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म हो रहा है कि गर्म होते ही इसमें डालेंगे हींग, मेथी दाना, हल्दी, अब डालेंगे कद्दू। अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च, धनिया पाउडर और नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्च, मसालों की प्रॉपर कोटिंग हो गई है। अब इसे 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। ये अभी पूरी तरह से गला नहीं है, इसे 5 मिनट के लिए और ढककर रख देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब इसे फिर से चेक करते हैं। ये अच्छे से गल गया है। अब इसमें डालेंगे चीनी, गरम मसाला और अमचूर पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी पानी छोड़ेगी इसलिए इसे खुला रखकर पकाएंगे और बीच बीच में हिलाते रहेंगे। ये अच्छे से गल गया है, पानी भी सूख गया है। अब इसे हरे धनिए से गार्निश करेंगे। कद्दू बनकर तैयार है। इसे पूरी और पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं।